तेरे अंदर आ गए जरा, फटाक से पैक कर, फटाक से पैक कर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। एक्चुअली हम लोग से 6 बजे उठे और सब पैकिंग विंग चालू है। आधा सामान इधर पड़ा है, आधा उधर है। जस्ट 5 या 10 मिनट में अभी हम लोग निकल रहेंगे। रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं है क्योंकि मेरा ये शोल्डर बहुत दुख रहा है, पता नहीं। तो मैंने रात को रिलीफ स्प्रे मारा और सो गया। आज थोड़ा बहुत है बट पूरा नहीं, अभी भी थोड़ा दुख रहा है। आई होप ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मिलते हैं पैकिंग करने के बाद सब। स्टे ट्यून्ड। माउंट आबू को गुड बाय कहने का समय आ गया है। चलते अभी इधर से। अभी हम निकल रहे हैं जैसलमेर की तरफ। अभी मेरे को रूट नहीं पता, रुकना पड़ेगा। तो अभी बजे है 7:55 यहाँ पे। जैसलमेर पहुँचने के लिए कम से कम 8 या 9 घंटे लगेंगे क्योंकि पूरा हाईवे ही है, पर बीच बीच में कुछ सिटीज आती है तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बीच में ट्रैफिक लग सकती है। भाई साहब क्या देखो, सूरज की किरण यहाँ पे पड़ी है। ये माउंटेन सोने का लग रहा है मेरे को। इट्स अ गोल्डन माउंटेन, ऐसा लग रहा है। ओके, गोल्डन माउंटेन है नहीं, मस्त। वाओ, व्हाट अ वैली। ये उमंग, इसका जो टाइम पैक है जहर भाई का, उसने खोला तो उसको लग रहा है उसमें खाना है। तो इधर अंदर आ, जरा फटाक से पैक कर, फटाक से पैक कर। वो मंकी को लग रहा है उसमें खाना है तो उसके उसके पास आ रहा है। अच्छा, उधर उधर एक डॉगी था तो डॉगी ने उसको भगाया, नहीं तो जहर जहर के सर चढ़ जाता वो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी ओवर हियर, मजा आ गया। तो हम यहाँ पे कभी कहीं बीच में रेजर के यहाँ पे रुके हैं, पेट्रोल रिफिल कर रहे हैं। क्या हुआ? सिरोही जिले में अपन यहाँ पे फ्यूल अप कर रहे हैं। यहाँ पे 80 रुपीज़ का पेट्रोल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम लोगों ने 72 रुपीज़ का उससे पेट्रोल था। तो यहाँ पे अभी वोटिंग चल रहा है। हम 2-3 गांव से देख रहे थे, पूरे ऐसे पूरी भीड़ लगी हुई और पुलिस वाले वगैरह। तो यहाँ पे पूछा मैंने कि वो क्या है, तो यहाँ पे वोटिंग चल रहा है। देखो, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है। तो अब देखो, हम लोग हाईवे आएगा करके इतने छोटे रास्ते पे चल रहे हैं। पता नहीं ये जहर कहाँ पे लेके जा रहा है। वो गूगल माता के भरोसे पे चल रहा है और मैं उसके भरोसे पे। पता नहीं अभी कब कहाँ कैसे पहुँचने वाले हम लोग। पूरे गांव-गांव से ये रास्ता जा रहा है। यहाँ पे देखो भेड़ बकरियाँ, यहाँ पे पूरे खेत। ओए, ये देखो पिल्ले, ये पिल्ले ऐसे बीच में आ जाते और मर जाते हैं यार। अभी बज चुके हैं 9:40। अभी हम लोग 2 घंटे हुए और हम लोगों ने कवर किया है 81.5 किलोमीटर।
अभी आप देख सकते हो बज गए हैं 10:50 और हम लोगों ने कवर किया है 143 किलोमीटर। अरे 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 वो माता है, अभी कितनी बड़ी है, ढोसल नहीं देखी ना, ओहो इतनी सिंह कितनी बड़ी थी उसकी। अरे बाप रे, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 143 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुका है। और एक बात, हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने बस थोड़ा सा पानी पिया था निकलने के पहले। सो फाइनली हमें यहाँ पे हाईवे मिल चुका है। ये यहाँ से कहाँ पे जाने का, राइट ना, ओके। ये हाईवे क्या है ये बाय द वे, सिंगल लेनी है क्या? अब ये काम कर, पहला हम लोग खाना खाएंगे, यार भूख लगी मेरे को जाम। तो अभी लगभग बजे 11 और हम लोग अभी पहुंच गए सांचो। ये अभी हमें होटल मिला, अच्छा ये हाईवे मिला, हाईवे के बाजू में ही बड़ा सा हमें ये होटल मिला। होटल का नाम क्या है, हाँ होटल का नाम है भाग्योदय। यहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ये मंगवाया एक बड़ा उसल, एक पराठा आलू पराठा और ये इडली सांभर। तो अभी यहाँ पे खाना खाएंगे पेट भर के और फिर आगे निकलेंगे, बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने। ऑल सेट, निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ बाकी तो नहीं है ना, फिर बिल तो नहीं रहा ना आपका, गुड। कंप्लीटेड 161 किलोमीटर फ्रॉम माउंट आबू, द रिमेनिंग इज 250 किलोमीटर फॉर जैसलमेर और वहाँ से आगे 100 किलोमीटर हमारा जैसलमेर का कैंप। सो ऑलमोस्ट बाकी है 350 किलोमीटर। अभी ये पूरा हाईवे है तकरीबन 128 किलोमीटर तक, बस भगाते रहो अभी। ओके यहाँ पे पहला बोर्ड दिखा हम लोग को जैसलमेर का, 276 किलोमीटर। ये देखो मोहतरमा डायरेक्ट भाग रहे थे आगे। मेरे लेफ्ट साइड में है रेगिस्तान और मेरे राइट साइड में भी है रेगिस्तान और मेरे सामने है जहीर खान जो अपनी गाड़ी चला रहे हैं बेजुबान। जैसलमेर 252 किलोमीटर। ये देखो पूरा स्ट्रेट रोड है और विंड ब्लास्ट इतना खतरनाक वाला हो रहा है कि हमारी गाड़ी को ऐसा फेंक रहा है बाहर। जहीर की भी गाड़ी इतनी वेट है फिर भी उसकी गाड़ी फेंक रही है। अभी हम है बालमेर में, यहाँ पे पेट्रोल पंप के उधर पेट्रोल डलवा रहे थे कि कुछ। तो अभी हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हुए और यहाँ से लगभग और 2-3 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए जैसलमेर। यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया कुछ में 650 रुपीज़ का कुछ मेरा पेट्रोल डाला मैंने फुल किया टंकी। तो अभी बजे 3:40 और अपने 336 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं और लगभग 100 किलोमीटर बाकी है। तो गूगल माता बता रहे कि 2 घंटे और लगेंगे। जैसे जैसे सूरज नीचे नीचे जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम होने होते जा रहा है। दूर दूर तक पहाड़ नहीं है, पूरा जो इलाका है एकदम स्ट्रेट, देखो दूर दूर तक एक भी पहाड़ नहीं है, पहाड़ बस अपने महाराष्ट्र में मिलेंगे वो भी सह्याद्री में, जहाँ की सुंदरता देखने लायक है। तो अभी लगभग बज चुके हैं 4:15। तो ये जो रास्ता है पूरा स्ट्रेट है, तो आ रही है थोड़ी बहुत नींद आ रही थी तो सोचा कि थोड़ा सा रुकते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग रुके होटल करनी, यहाँ पे हाईवे बाजू में, हाईवे में 384 किलोमीटर हम लोग हो चुके हैं और 100 किलोमीटर बाकी है। यहाँ से जैसलमेर है वो जो लगभग 57 किलोमीटर दूर है और उससे आगे 50 किलोमीटर हमारा जो मेन डेजर्ट कैंप है वो वहाँ पे है। तो यहाँ पे बच्चों लोग भी फिर आ रहे थे, हम साथ भी दिखाते वो लोग। सही है, ये अलग 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 इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कांड हो चुका है, यहाँ पे देख रहा था कि मैं मेरा बाइक एवरेज क्यों नहीं दे रहा है। अभी मैंने चेक किया तो वहाँ पे मेरा जो पेट्रोल है वहाँ पे लीक हो रहा है, जिसकी वजह से फटाफट टंकी खाली हो रही है। अभी जैसे जैसे जैसलमेर पहुँच के ये फिक्स करवाना पड़ेगा। हम लोग जस्ट बातें कर रहे थे तो यहाँ पे एक स्कॉर्पियो आई है, महाराष्ट्र से है ये वो अंकल। यहाँ से हम लोग उनसे बातें की। आपका नाम क्या बताया? श्याम शर्मा। इनका भी कालबा देवी में होटल है। तो सही है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, चाय पियेंगे और फिर आगे जाएंगे हम लोग। चलते बाद में मिलते रहेंगे हम। आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ये लोगों को प्रेरणा देता है कि भी इस टाइप से एडवेंचर होना चाहिए, इस टाइप से करना चाहिए। महाराष्ट्र से आए, एक्चुअली इसको एक साहसिक काम बोला जाता है। साहसिक काम, मतलब वो ऐसा एकदम क्या बोलते हैं अपना महाराणा प्रताप जैसा, महाराज जैसा। नहीं, हकीकत बात है, क्या बात है, वो तो इस टाइप से ही रहते हैं ना भाई। एकदम अलग हटके करो, कुछ अलग करो, अपने को संतुष्टि मिले और लोगों को प्रेरणा मिले कि अपना थोड़ा ये जो लेना चाहिए और इसमें हो जाना चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं अभी, ऐसे निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे और 2 घंटे लगेंगे हम लोग पहुँचने में। बाय, चलो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो और तरसो, रंगीला राजस्थान फिर मिलेंगे परसो। सही है, कितना सारा विंड मिले भाई, पूरा इलेक्ट्रिसिटी हमें बना रहे हैं लोग, क्या बात है राजस्थान। I love your talent. हमारे महाराष्ट्र में भी है पहाड़ों पे। तो हम लोग अभी सैम ड्यून्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर है और ये देखो सामने क्या है। पूरा बांध के लेके जा रहे हैं इसको, ट्रैक्टर है और ये हैं ईंटे। अरे बाबा रे, इससे एक भी पत्थर गिरा ना लग गए अपने। तो आधे घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं, सारा रास्ता इस तरह से ही है, तो डायरेक्टली मिलता है होटल में। So we reached sand dunes desert. यहाँ पे देखो इस साइड में पूरे टेंट लगे पड़े हैं, ऐसे ही टेंट में हम रहने वाले हैं। हरिटेज जुमा रिसोर्ट एंड कैंप। ओहो स्लोले होले 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 होले। हेलो, ओके, फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पे हेरिटेज जुम्मा रिसोर्ट एंड कैंप। तो अभी यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। थैंक यू, ओके सर। तो अभी हम लोग अंदर जाके कैंप में एंट्री कर लो, एंट्री करेंगे और देखेंगे। चलते चलो चलो बच्चों, चलो भाई लॉग। तो हमें कुछ 236 नंबर का टेंट मिला है। आपका नाम क्या? अब्दुल रजाक खान। इन्होंने मेरा हेलमेट ले लिया, थैंक यू। और ये हमारे, आपका नाम क्या? रजब खान। इन्होंने देखो टैंक अपना साडल बैग कैसा पहना है। थैंक यू। अभी यहाँ पे अंदर जाएंगे टेंट में, बाद में टेंट में दिखाता हूँ आपको। So finally we reach our destination. अभी मैं कैंप में हूँ। अरे जहीर भाई इधर आओ। तो अभी हम लोग इस कैंप में पूरा कैंप है। इसका टूर में
इसका जो पूरा टूर है मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगा। सो ये जो पूरा राइड है बहुत मस्त है। स्टार्टिंग में कुछ 100 किलोमीटर बहुत टफ थे हमारे लिए, क्योंकि वो गांव से आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे, आपने तो देखा ही रहेगा। और उसके बाद जो रोड सा है यार, मतलब पहाड़ एकदम, वो अभी तक मेरे को ना ध्यान में घूम रहा है मेरे अभी। और वो उसके बाद वहां से यहाँ पे आने के बाद वहां भी ऐसे ऊपर नीचे पूरा 100 की स्पीड है हम लोग भगा रहे थे बाइक। बहुत मजा आया, बहुत रेव किया। और मेरा एक इश्यू हो गया है, वो पेट्रोल का, पेट्रोल लीक हो रहा है। आई डोंट नो वो क्या प्रॉब्लम है। वही अभी कासिम भाई को बोला है कि मैकेनिक ढूंढो और मुझे वो करके अभी जाने, क्योंकि 25 का एवरेज मतलब दे रही है। 25 यार, मतलब इसका जो इसको 600 का पेट्रोल लग रहा है, मेरे को 800 का पेट्रोल लग रहा है। बोले क्या है भाई। तो ओवरऑल दिस इज द एंड ऑफ द लॉग राइट नाउ। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकॉन पे बटन दबाना, क्योंकि नेक्स्ट राइड मतलब कल जो है हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। लॉन्गे वाला जाने वाले है, डेजर्ट सफारी करने वाले, और बहुत कुछ है यार, मतलब मजा आने वाला है पूरा। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो, और देखते रहो अकीदा ट्रैवलर। सो लिव योर लाइफ एंड चेस योर ड्रीम्स। Oh,